टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी से है ना लोग डर रहे हैं कि एलन मस्क ने सैटेलाइट लिंक की ताकत ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। एलन मस्क ने क्या कर दिया है, सैटेलाइट के साथ लिंक कर दिया है चीज़ों को। अब सैटेलाइट के साथ लिंक करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चिंताएं हैं, देखते हैं। 7 मार्च को अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली और यूक्रेन की सेनाओं के चीफ जनरल वैलेरी जालूझनी ने यूक्रेन पर रूसी हमले के संबंध में फ़ोन पर चर्चा की। बातचीत के संबंध में जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने बताया कि अन्य मसलों के अलावा जनरल जालझुनी ने एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टारलिंक का मामला भी उठाया। युद्ध में यूक्रेन स्टारलिंक की संचार सेवाओं पर निर्भर है। यूक्रेन जो आपका युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में युद्ध, तो यूक्रेन स्टारलिंक की संचार सेवाओं पर निर्भर है। अब यूक्रेनी जनरल ने पूछा, क्या अमेरिका को मस्क के बिजनेस हितों और राजनीतिक हलचल का एहसास है कि वो क्या करने वाले हैं? अमेरिकी अधिकारियों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हुआ यह है कि स्पेस एक्स, टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं, और उस खिलाड़ी के तौर पर, बादशाह के तौर पर उभरे हैं। वे सैटेलाइट इंटरनेट के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार ताकत हासिल कर रहे हैं। फिर भी उनकी अविश्वसनीय स्टाइल ने दुनिया के कई देशों में राजनेताओं और सैनिक के जो जनरल्स होते हैं उनके बीच चिंता पैदा कर दी है। चिंता की बात है, स्पेस एक्स का मूल्य 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने वाले टेक्नोलॉजी की ताकत अब महसूस की जा रही है। युद्ध क्षेत्रों, दूरस्थ इलाकों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर इंटरनेट संपर्क के लिए स्टारलिंक एकमात्र रास्ता बना है। यूक्रेन में उसका उपयोग ड्रोन हमलों, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए हो रहा है। ईरान, तुर्की में एक्टिविस्टों ने इन सेवाओं का उपयोग किया है। और आपको बताएं कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट स्टारलिंक का बड़ा कस्टमर है। जापान सहित कई अन्य सेनाएं टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रही हैं। सैटेलाइट इंटरनेट पर मस्क के पूरे कंट्रोल ने चिंता पैदा कर दी है। यूक्रेन में इसके नतीजे सामने आए हैं। मस्क ने युद्ध के दौरान कई बार स्टारलिंक बंद कर दिया है। एक बार तो उन्होंने क्रीमिया के पास स्टारलिंक चालू करने के यूक्रेनी सेना के आग्रह को ठुकरा भी दिया था। वे पिछले साल सार्वजनिक रूप से युद्ध के लिए शांति योजना का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। मस्क रूसी हितों से जुड़े नज़र आते हैं, ऐसा उन पर आरोप है। मस्क की टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता से चिंतित यूक्रेन ने दूसरी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं से चर्चा की है। यूरोप और मध्य पूर्व के 9 देशों ने अमेरिकी अधिकारियों से स्टारलिंक का मामला उठाया है। टेक्नोलॉजी पर मस्क के नियंत्रण पर सवाल खड़े किए गए हैं। चीनी हमले की स्थिति में ताइवान का इंटरनेट ढांचा ध्वस्त होने पर ताइवान को दूसरी इंटरनेट सेवा की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी चीन से मस्क के कारोबारी रिश्तों को देखते हुए ताइवान स्टारलिंक सेवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और आपको बताएं कि 50 देशों में सेवा चल रही है। 2019 के बाद से मस्क ने लगभग हर सप्ताह अंतरिक्ष में स्पेस एक्स रॉकेट से सैटेलाइट भेजे हैं। इन सैटेलाइटों से धरती के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट संपर्क बनाया जा सकता है। आज आसमान में 4500 स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं। ये कुल एक्टिव सैटेलाइट का 50% है। अब आप समझ रहे हैं, मस्क की योजना आने वाले वर्षों में 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की है। 50 देशों में स्टारलिंक की सर्विस चल रही है। जय हिंद।